हमारी 108 यूनियन की तरफ से जो 7 सूत्री मांगें रखी गई है, उन मांगों पे सरकार ने पहले भी आश्वासन दिया था भी आपकी जो 7 सूत्री मांगें हैं वो हम मान लेंगे, पर अभी जो नई जो निविदा निकली है उनमें हमारे न तो कोई पेमेंट का इश्यू रखा है न स्टाफ का इश्यू रखा है और उन्होंने निविदा निकाल दी है। पर हमारी ये मांगें हैं सरकार से कि आप जो हमें प्रॉमिस किया है उसको निभाएँ और जो हमें अल्प वेतन पे कार्य कर रहे हैं उस वेतन को बढ़ाएं। लेबर कोर्ट में जो था वो केस उसके अकॉर्डिंग हमें जो समान कार्य समान वेतन है वो सभी EMT पायलट को देने की निवेदन था और है, और वो हमें अभी जो नया जो टेंडर प्रक्रिया जो चली है उसमें अपने को इन्वॉल्व किया जाए। आज क्या किया है इसको लेकर? आज अपना काली पट्टी बांध के अजमेर के सारे स्टाफ ने राजस्थान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार हमने सब ने सांकेतिक धरना दिया है और है जारी रहेगा जब तक अपना ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक। 108 गाड़ियाँ नहीं चलेगी मतलब? हाँ, अभी बंद है सभी सारी गाड़ियाँ पूरे अजमेर ज़िले से, पूरे ऑल ओवर राजस्थान। नाम बताओ? रामराज।